हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभी फोटोग्राफी। तो पिछला वीडियो में आप देखे थे मूव टूल, रोटेट टूल कैसे करना है। तो आज बात करेंगे स्केल, ठीक है, स्केलिंग कैसे करना है। स्केल मतलब क्या होता है, स्केल मतलब क्या होता है वो देखेंगे। सबसे पहले चलिए ब्लेंडर ऐप ओपन करते हैं। ये आ गया ब्लेंडर ऐप, तो कहीं भी क्लिक किया ये चला गया। अभी नेक्स्ट स्टेप आता है, ये तीन चीज़ आपको मालूम है, एक कैमरा, एक ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट, और एक है सॉरी ये लाइट है और ये कैमरा है, ठीक है। तीनों चीज़ है, आपको कहीं ऐड करना है तो इधर से कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट वगैरह जो भी, सरफेस, हाँ, कर्व, मैश में इधर टोन कोन जो भी ये हो गया, जी दबाया इसको इधर लिया, जी छोड़ा सिलेक्ट हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ हो गया थोड़ा थोड़ा बहुत। तो अब देखिए, अब जो हम लोग आज जी से थोड़ा नीचे, वो भी थोड़ा जी से थोड़ा नीचे, ठीक है ओके। चलिए तो आज हम लोग बात करेंगे स्केलिंग। स्केल मतलब क्या है, स्केल मतलब छोटा या बड़ा ऐसा होता है। अभी पहला दिखे थे जी से, हम मूव करना दिखे थे जी से, फिर आर से दिखे थे इसको रोटेट कैसे करना है, ठीक है, आर से कैसे रोटेट करना है इसको, हाँ वापस इसको या इसको भी आर से रोटेट करना है कैसे, हाँ ये हम पिछले दो वीडियो में हम बात कर चुके हैं। तो आज हम लोग बात करें थोड़ा बड़ा या छोटा स्केलिंग कैसे करना है। तो उसका शॉर्टकट है एस, एस दबाया, ये देखिए एस दबाया स्केलिंग हो रहा है, बड़ा छोटा हो रहा है, क्लियर। ये होता है स्केलिंग, ये रहा स्केल, ये भी सिलेक्ट करेंगे तो ऐसा एक पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। ऊपर वाला ये होगा रोटेट, ये होगा मूव, हाँ ठीक है, तो ये होगा स्केलिंग, ओके स्केलिंग इसको क्लिक किया। ये देखिए एक सर्कल, और सर्कल के अंदर तीन चार ये कलर जैसा है, ये तो ये सब चीज़ क्या है, ठीक है, ये सब चीज़। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। कल प्लस जेड कर रहा हूँ, सब जो जो किया सब चला गया, ओके ओके ठीक है। नहीं नहीं, कर्सर कर्सर नहीं होना मुझे जी से, तो इधर ओके ठीक है। अभी स्केल इधर सिलेक्ट है इसलिए मैं किसी भी क्लिक करूँगा ऐसे हो जाएगा, ये इसका कर्सर पॉइंट है, ये इसका अंदर कर्सर पॉइंट है, और इसका जो सर्कल देख रहे हो ये इसका कर्सर पॉइंट है, मतलब उस बीच में से ये छोटा बड़ा होगा या राउंड होगा या मूव करेगा, वो मिडिल पॉइंट उसका है, हाँ, जिसको एंकर पॉइंट बोलते हैं, जिसको एंकर पॉइंट बोलते हैं वो रहा वो, ठीक है। तो अभी स्केल अभी इधर सिलेक्ट है, तो ये देखिए इसको जूम करेंगे तो आप देख सकते हैं इसको, जूम छोटा बड़ा करूँगा तो ये माउस से कर रहा हूँ, माउस के स्क्रोलिंग बटन से कर रहा हूँ, ठीक है। रुकिए इसको डिलीट करता हूँ, नहीं डिलीट नहीं, ठीक है रहने देते। तो ये देखिए अभी इसको एस दबाया, ये देखिए माउस, मैं कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ एस दबाने के बाद मैं माउस को हिला रहा हूँ, कोई माउस का बटन नहीं दबा रहा हूँ, मैं माउस को आगे पीछे कर रहा हूँ, ऊपर नीचे आगे पीछे कैसे भी कर रहा हूँ, देखिए ये हो रहा है, माउस को मूव कर रहा हूँ थोड़ा सा इधर उधर कर रहा हूँ, जब तक मैं एस छोड़ दिया, मैंने एस छोड़ दिया, ठीक है ठीक है ठीक है। अभी देखिए माउस को जस्ट मूव कर रहा हूँ, अभी इधर मैं छोड़ दिया, ये वापस आ गया, अभी देखिए इसको ये किया, ठीक है वापस एस दबाया, ये देखिए बड़ा हो रहा है, ठीक है बहुत बड़ा हो गया, ये बहुत छोटा हो गया, ठीक है वापस लेके गया, अभी भी बहुत बड़ा है, एस दबाया छोटा किया, ठीक है। ये बहुत बहुत मतलब हेल्पफुल ये सब चीज़, ये तीनों चीज़ जो है ना, एक क्या क्या है, मूव टूल है, एक रोटेट टूल है, और एक स्केल है। ये तीनों चीज़ अगर आप मतलब अलग अलग सेपरेटली सीख गए तो आगे जाके ये तीनों चीज़ आप एक साथ करने वाले हैं, मतलब जब तक जितने जल्दी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा टाइम आप इस पर बिताएंगे तो उतना जल्दी आपको सीख जाएंगे, ठीक है। अभी देखिए अभी मैंने सिर्फ एज दबाया था, फिर इसको माउस को इधर उधर कर रहा था माउस को, तो ये छोटा बड़ा हो रहा था, तीनों और हो रहा, तीनों एक्सेस बराबर हो रहा है, ये जो तीनों एक्सेस देखिए, ये रेड, ये देखिए इधर रेड रेड लाइन के ऊपर आ रहा है, ये ब्लू या ग्रीन, थोड़ा ग्रीन लाइन के ऊपर आ रहा है, ऊपर भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि क्योंकि
ये इसका कोई अभी कोई स्किल किया नहीं मैंने, ठीक है, मतलब कोई एक्सेस इसको कमांड नहीं किया। एस दबाने के बाद अगर मैं एक्स एक्स दबाऊंगा तो देखिए एक्स, देखिए लाइन को वो हाईलाइट होगा, अभी वो सिर्फ उतना लाइन में वो बड़ा या छोटा होगा उतना लाइन में, ठीक है। रुकिए मैं वापस करके दिखाता हूँ, छोड़ दिया, हाँ थोड़ा नज़दीक लेके गया, हाँ अब ठीक है। अभी एस दबाया फिर एक्स दबाया, ये देखिए बड़ा छोटा हो रहा है, ठीक है, जितना बड़ा करूँगा उतना बड़ा हो गया, ठीक है, जितना बड़ा चाहिए मैं उतना बड़ा, मुझे जो चीज़ चाहिए जैसा चाहिए हो गया। देखते देखिए अब एक नया चीज़ सिखा दूँगा। ये तीनों मेरा जो तीनों पिछला दो वीडियो देख 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 देखने के बाद ये तीन तीसरा वीडियो है। पहला वीडियो था मूव टूल के बारे में, दूसरा वीडियो था रोटेट के बारे में, तीसरा ये स्केलिंग। अभी स्केल में तीन वीडियो अगर आप लगातार देख लिए तो आप एक टेबल बनाना सिखाएंगे आज कैसे, और लास्ट एंड तक देखिए एक टेबल कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये एक्सेस बराबर हो रहा है, ठीक है, ये एक्स, अभी वाई, ऐसा वाई एक्सेस बराबर हो रहा है, ठीक है। अभी जेड दबाए, देखिए जेड एक्सेस बराबर हो रहा है, हो गया ना, जेड एक्सेस बराबर हो गया ना। तो ये वापस क्लिक किया, ये छोड़ दिया इसको, ठीक है। अभी एस दबाए, इसको और छोटा किया, इतना छोटा किया, ठीक है। अभी एक्स दबाए, एक्स नहीं, हाँ हाँ जेड जेड सॉरी जेड दबाए, फिर और ऊपर ले क्लिक किया, वापस एस दबा, इसको और छोटा किया, ठीक है, और छोटा किया। अभी वापस इसको नहीं, क्लिक किया, जूम जूम जूम, हाँ जूम इतना जूम, ठीक है, क्योंकि ये देखिए जो सरफेस है आपको जो लाइन दिख रहा है इतना सारा लाइन दिख, ये आपका वर्क स्पेस है, जितना आप काम करेंगे उतना आपको सीखेंगे उतना जल्दी, बहुत बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आप कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए ये एक्सेस देखिए ब्लू, ये लंबा हो रहा है, ठीक है, ये जो एक्सेस है सिर्फ उतना उस साइड जाएगा, ठीक है, ठीक है। जेड एक्सेस मतलब सिर्फ ऐसा होगा, हाँ ये देखिए, ठीक है, वॉल जैसा कुछ भी मतलब आप हो सकते, अभी इसको ये होगा, ओके। अभी इसका एक डुप्लीकेट बनाते हैं, ये जो बना है मैं क्यूब, इसको क्या करते हैं, अभी इसको सिलेक्शन टूल में डालते हैं, ठीक है। अभी डुप्लीकेट राइट क्लिक किया, इसको डुप्लीकेट किधर गया, कॉपी, कॉल प्लस सी कॉपी किया, ओके, कॉपी करके इधर ही कल प्लस भी, हाँ कल प्लस भी पेस्ट हो गया। अब इसको जी से मूव करना है, ये मूव किया, ठीक है, कल प्लस भी किया है, वापस जी से इसको मूव किया, ठीक है, कल प्लस भी किया है, वापस जी से इसको मूव किया, ठीक है, इसको सिलेक्ट किया जिसे, ये देखिए लाइन के ऊपर रखा मैंने, क्लियर। इसको मैं क्या करूँगा, जी जी दबाया, जी दबाने के बाद मैं इधर रखूँगा, ठीक है, लाइन के ऊपर ऊपर लिया, ठीक है। इसको भी सेम करूँगा, जी दबाया, इसको मैं लाइन के, ओके, लाइन के ऊपर, इसको भी लाइन के ऊपर, इसको एक एक लाइन जी दबाया, इसको थोड़ा इधर ला, देखिए अभी ऊपर ऊपर का पूरा आप देख सकते, ऊपर का जो लेंथ, नहीं 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 हुआ, नहीं हुआ ना, देखे नहीं हुआ, ठीक है, अच्छा नहीं हुआ, रुकिए मैं सब इन चारों को सिलेक्ट किया, डिलीट दबाए, वापस नए से करते हैं इसको, ठीक है, वापस नए से इसको करते हैं, ओके। एड मिश में जाके क्यूब, क्यूब लाया मैं, इस दबाया, नहीं नहीं बहुत बड़ा हो गया, नहीं 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 रुक रुक रुक, इस दबाने के बाद एक्स दबाया, नहीं एक्स से नहीं होगा, सॉरी कल प्लस जेड, ओके, एस दबाया, वाई दबाया, वाई से नहीं, कल प्लस जेड, एस दबाया और जेड दबाया, अब हुआ, ठीक है, अब हुआ पर बहुत बड़ा हो गया, ठीक है, ओके, बस क्लिक किया। अभी एस दबाने के बाद इसको छोटा कर दिया, बस ठीक है, ठीक है, बस अब ठीक है, अब देख, अब समझ में आ रहा है, पर ये बीच में, पर बीच में नहीं, मुझे सरफेस के ये जो लाइन है, इतना सारा लाइन है ना, इतना सारा ये जो लाइन देख रहे हैं, लाइन के ऊपर ऊपर लाना है इसको, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जी दबाया,
और इसको ऊपर लाया मैं, लाइन के ऊपर लाया, किधर तो मैं रखा, ओके इधर में ना मानो, नहीं नहीं अभी भी नीचे है, अभी भी नीचे ही है, चलो जी दबाया, ऊपर आ जा, हाँ चलो मानो के वो ऊपर आया, ठीक है अभी नॉर्मल एक, नॉर्मल एक चीज़ दिखा रहा है, ये ऊपर आया, ओके चलो इसको इधर लाते, हाँ तो आसान हो जाएगा, चलो ठीक है, बाप रे हाँ जी दबाने का तो ऊपर आ जा बाबा, और कितना ऊपर, हाँ चल लगभग ठीक है, ठीक है हाँ लगभग ठीक है, चलो एक हो गया। अभी इसको कल प्लस सी, फिर इधर सिलेक्ट किया कल प्लस भी, उधर ही पेस्ट होगा, उसके ऊपर ही वो पेस्ट होगा, फिर आपको जी जी एक बार दबाया, फिर आपको जिधर चाहिए आप रख दीजिए, हो गया। वापस कल प्लस भी एक और हो गया, इधर आप देख सकते हैं दो तीन जो भी, फिर आप जी दबाइए उसको साइड कर लीजिए, एक और रख लें, फिर कल प्लस भी कब, एक बार कल प्लस सी के बाद आप कितना भी कर सकते हैं, जी दबाए आप इसको इधर ले लिया, ठीक है अभी देखिए ये नहीं बैठा, ठीक है इसको बैठा दो, सिर्फ इसको तू इधर खड़ा हो जा, तुझे तू इधर हाँ तो इधर ओके हाँ ये देखिए एक और हो गया ना थोड़ा बहुत, मतलब देख उतना परफेक्शन तो मैंने अभी फिलहाल नहीं ला, उतना परफेक्शन करने के लिए आप मतलब बहुत कुछ बहुत टाइम लगेगा थोड़ा सा, ठीक है ये जो है थोड़ा ऊपर जाएगा, हाँ ठीक है मतलब समझ में आ रहा है ना मैंने क्या किया, किस ये देखिए इसको थोड़ा ये जी सर इसके ऊपर आएगा, ओके चलो ये इतना हो गया। अभी इसके ऊपर मान लिया एक टेबल के ऊपर ऐसा कुछ देना है, क्या देना है एक प्लेन, मतलब एक देना है तो उसके लिए मैं क्या लूँगा, एक ऐड करूँगा एक प्लेन, मिस लगा के एक प्लेन ऐड किया, ये आ गया मेरा प्लेन। अभी एस दबाया ये बड़ा हो गया, देखिए ये बड़ा हो गया ना, बड़ा हो गया इतना बड़ा, हाँ ठीक है एक बार क्लिक किया, फिर जी दबाया इसको इन लो इन तीनों के ऊपर लेके गया, ठीक है इन दिनों को ऊपर लगेगा, देखिए उतना अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों उतना अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है ना उतना अच्छा नहीं लग रहा है, पर हम क्या करेंगे इसको एक एक करके इसको इधर हो गया, इसको मूव करके इसके साथ क्लिक किया, ठीक है हाँ देखिए नहीं हुआ ठीक है, मतलब तीनों एक्सेस आपको ठीक से देखना है, और भी हाँ तू भी जा, हाँ वापस देखता हूँ, जितने आप बारीकी से देखेंगे उतने आप बारीकी से सीखेंगे, जी दबाया शॉर्टकट, शॉर्टकट है ऐसा नहीं कि क्यों शॉर्टकट क्यों यूज़ कर रहे हो, क्योंकि इधर क्लिक करूँगा इससे अच्छा मैं सिलेक्ट किया जी दबाया इसको मूव किया हो गया, ठीक है मतलब ऐसे शॉर्टकट से, अभी देखिए इसको लगाया नहीं इसको हाँ इसको सिलेक्ट किया जी दबाया फिर ऊपर हाँ लगाने, ऐसे करके आप आराम से देखिए ऊपर टॉप एंगल से आप देखेंगे बराबर, ठीक है ये देखिए ऊपर टॉप एंगल से आपको कैसा लग रहा है ना, एक टेबल जैसा हो गया ना, ठीक है और ये इसको हटाना है जी से हो गया ना, इसको थोड़ा और ठीक है ठीक है। अभी ये तीसरा वीडियो है, पहला वीडियो था मूव टूल, दूसरा वीडियो था रोटेट टूल, अभी तीसरा वीडियो स्केल टूल, तीनों चीज़ आप क्या करना चाहते उस हिसाब से आपको देखिए आप बराबर ठीक है ये देखिए बराबर नहीं हुआ, अभी देखिए ये माइनस एक्स इसको एक एक लाइन पे लाते जी दबाया एकदम इसके पहले पीछे का सेट करते इसको नहीं होता है ठीक है इसको जी दबाया इसको एकदम बराबर ए रखें इसको जी दबाया एकदम बारीक से एकदम ऊपर रखें अब इसको जी दबाया उसके एकदम नहीं 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 पहले इसको पीछे वाले को करते हैं
हाँ इसको रख के फिर इसको एकदम इसको ऊपर रखते हैं, ठीक है ये माना है। अभी अभी भी देखिए ठीक है, थोड़ा सा ठीक है, ठीक है अभी अभी ये बराबर थोड़ा सा हुआ है, ठीक है अभी ऊपर ज़्यादा हो गया। अभी उसको उसको जी से थोड़ा सा ऊपर, बस बस क्या हो गया ना, लग रहा है ना एक एक ये जैसा। अभी मान लो इसको थोड़ा बड़ा करना है, ये जो अपना ये है इसको थोड़ा बड़ा कर, इसको थोड़ा थिकनेस देना है। ये जो प्लेट मुझे लग रहा है कांच का प्लेट हो गया, हाँ कांच का प्लेट हो गया ना प्लेट, हाँ इसको थोड़ा स्केल किया थोड़ा सा, नहीं एक्स एक्सिस बराबर, नहीं 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 एक्स नहीं वाई एक्स, नहीं वाई भी नहीं, एस जेड, अरे रुक रुक एक मिनट, नहीं ये नहीं हो, हाँ वो सिर्फ बड़ा होगा, ठीक है ये हो गया अपना एक टेबल, ओके ये हो गया अपना टेबल क्लियर। अभी इसके ऊपर आप कुछ भी डाल सकते हैं, अभी तीनों को ग्रुप बना सकते हैं, ये सब चीज़ों को आप सिलेक्ट करके, ठीक है एक ग्रुप ग्रुप बना सकते हैं। सब बहुत बहुत कुछ सीखना है आपको आज, अब ये आज ये स्केल हो गया, ठीक है अगले वीडियो में हम लोग ट्रांसफॉर्मर की बात करेंगे। एक बार में आपको तीनों तीनों चार चीज़ एक बार में मतलब कैसे क्या करना है तो वो सब सीखेंगे ट्रांसफॉर्मर। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको जल्दी आप जल्दी सीखेंगे, ओके चलिए। और लाइव वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जो भी है आप सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए बाय।